वाटर फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर हमेशा हमें हेल्दी रखता है ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट एयर एयर इज एवरी एयर जो है ये हर एक जगह है इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आर आवर एग्जिस्टेंस ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक इसेंशियल पार्ट है बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारे लाइफ का वी कैन नाट सी इट बट कैन फील इट हम इसे देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर की ज़रूरत पड़ती है किस लिए ब्रीथिंग के लिए ब्रीथिंग सिस्टम के लिए उनके अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर हमारे जो अर्थ है ये चारों तरफ से एक एयर का ब्लैंकेट है एक एयर का चादर है चारों तरफ से घिरा हुआ है हमारा अर्थ जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं देयर इज़ ए वास्ट इम्पटी स्पेस अबव द एटमॉस्फेयर और एक बहुत बड़ा स्पेस है इस एटमॉस्फेयर के ऊपर कंस्टिट्यूटेंट्स ऑफ एयर एयर के क्या क्या कंस्टिट्यूटेंट्स होते हैं एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज एयर जो होता है ये मिक्सचर होता है बहुत से गैसेस का लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स डस्ट डस्ट मीन्स क्या होता है धूल वगैरह ये सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है एयर आर ऑल्सो इन ये सारे जो चीज़ें बताई मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर डस्ट जो है और बहुत सी चीज़ें जो हैं एयर में प्रेजेंट होती हैं ऑक्सी ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑक्सीजन जो होता है ये सारे लिविंग बींग्स जो हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम जो सांस इनहेल करते हैं वो क्या होता है ऑक्सीजन और जो ब्रीथ आउट करते हैं वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं ब्रीथ इन करते हैं उसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं और जो आउट करते हैं वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल एंड वाटर बाय फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं किसके प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल वाटर ये सारी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन प्लांट्स जो होते हैं ये क्या आउट करते हैं ऑक्सीजन और प्लांट्स इन क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस वे बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर मेंटेन इन द एयर इस तरीके से एयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो मेंटेन है अभी हाउ एवर इंक्रीज कटिंग ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉज पॉल्यूशन इन द एटमोसफेयर आप देख रहे होंगे जैसे जैसे पेड़ों की कटाई होती जा रही है मतलब जो ट्रीज़ हैं उनके कटिंग का नंबर बढ़ते जा रहा है फैक्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं सो तो इससे क्या हो रहा है फैक्ट्रीज से भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो है हार्मफुल गैसेस निकलते हैं पेड़ कटते जा रहे हैं पेड़ ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हल कर रहे हैं तो जब पेड़ भी कटते जाएंगे तो और फैक्ट्रियों से भी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी गैसेस निकलते जा रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है पॉल्यूशन हो रहा है एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एयर में वाटर वेपर भी होता है यू मस्ट हैल्ट स्टिकी ड्यूरिंग रेनी सीजन आप रेनी सीजन में देखते होंगे आपका जो स्किन है वो कुछ स्टिकी दिखता होगा आपको स्टिकी लगता होगा ऐसा लगता होगा कि कुछ उसमें नमी टाइप से लगता होगा इट इज़ बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर ड्यूरिंग दैट टाइम ये इसलिए क्योंकि वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है जो वाटर वेपर की मात्रा होती है वो उस समय बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होती है इसलिए हम स्टिकी फील करते हैं इट हैज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेज विच मेक्स द एयर डर्टी यू मस्ट हैव सीन चिमनीज़ गिव आउट स्मोक आप देखे होंगे जो चिमनीज़ होती हैं वो स्मोक धुआँ एक धुआँ टाइप से इस मतलब एयर में देती हैं इट कॉज पॉल्यूशन एंड मेक पीपुल सेक जो भी चिमनीज़ होती हैं जो वो स्मोक बाहर देती हैं आउट करती हैं जिस उससे क्या होता है पॉल्यूशन बढ़ रहा है प्रदूषण बढ़ते जा रहा है और लोग भी बीमार पड़ रहे हैं आज के डेट में आप मैगजिम देखेंगे लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है अस्थमा होता है लोगों को ये किस वजह से होते जा रहा है मैक्सिमम पॉल्यूशन की वजह से होते जा रहा है वाटर वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पानी जो है सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही जरूरी है इवन सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर इवनली सेवेंटी परसेंट जो हमारा अर्थ है ये कवर्ड है किससे वाटर से एक्वेटिक लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट वाटर एक एक्वेटिक लाइफ जो होता है वो पॉसिबल नहीं है बिना पानी के प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड प्लांट्स को भी वाटर चाहिए किस लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए खाना बनाने के लिए उन्हें भी वाटर चाहिए अदरवाइज क्या होगा जो प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रेन बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के जैसे रेन रिवर लेक पॉन सी वेल एक्सेट्रा रेन वॉटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वॉटर रेन वाटर जो होता है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है सबसे शुद्ध फॉर्म होता है आपका पानी का वॉटर इज ऑल्सो फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड पानी जो है जमीन के बहुत ही नीचे डीप में भी आप पाते हैं सी वाटर इज सल्टी एंड थर्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग जो समुद्र का पानी होता है सी वाटर जो होता है ये बहुत ही सॉल्टी होता है खारा होता है जो कि ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं है पीने के योग्य नहीं होता है आते हैं नेक्स्ट इट्स स्टेट्स ऑफ वाटर वाटर डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज पानी का एक फिक्स शेप नहीं होता है फिक्स साइज नहीं होता है आप अगर पानी को ग्लास में रखोगे स्टूडेंट्स तो आप देखोगे ग्लास जो है ग्लास के शेप का वाटर हो गया बाउल में रखोगे बाउल का शेप का हुआ आप अगर उसे किसी फ्लैट मतलब फ्लैट अगर किसी बर्तन में रखोगे तो उस टाइप का उसका शेप हो जाता है इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट जिस कंटेनर में आप वाटर को रखते हैं वाटर उसी शेप का हो जाता है इट कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स और वाटर जो है थ्री स्टेट्स में हम देखते हैं जैसे सॉलिड फॉर्म एक तो होता है आइस बर्फ पानी का वो भी रूप होता है सेकेंड है लिक्विड फॉर्म पानी को आप लिक्विड फॉर्म में देखते हैं देन थर्ड है गैसियस फॉर्म वाटर वेपर के रूप में भी आप पानी को ही देखते हैं आप फिगर में देख सकते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस लिक्विड फॉर्म ऑफ आइस गैसियस फॉर्म वाटर वेपर वाटर वेपर कैसे बनता है जब पानी गर्म होता है तो जो उसमें वाष्प बनता है भाप बनता है वो ऊपर उड़ के जम जाता है उसे हम वाटर वेपर बोलते हैं हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द स्टेट ऑफ वाटर गर्म करना और फिर उसे ठंडा करना वाटर का स्टेट चेंज कर जाता है इफ़ वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज होगा वेपर्स में भाप में दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन इसे हम इवेपोरेशन करते हैं किसे जब पानी को हम गर्म करते हैं तो ये भाप बन के उड़ जाता है ऊपर तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं इफ़ वी कूल दिस वाटर वेपर्स दे चेंजेस इन टू वाटर जब उसी वाटर वेपर्स को हम अगर कूल cool कर देते हैं तो वो वाटर में अगेन चेंज हो जाता है लाइक आप एक कोई कंटेनर लीजिए उसे गैस स्टोव पे रखिए और उसमें वाटर डाल दीजिए उसे जब आप गैस ऑन करेंगे तो वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा जब वेपर बनना शुरू हो जा रहा है आप उस पर एक लिड रख दीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए जो भी वेपर बनेगा उस लिड में बूंद बन के आप देखेंगे वो वापस वाटर बन जाएगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन द नेक्स्ट इज वाटर साइकल वाटर साइकिल क्या है वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन नेचर वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है हमारे नेचर में हमारे प्रकृति में जो कंटिन्यूस होता रहता है हमेशा इन नेचर टू स्टेट्स ऑफ वाटर कीप ऑन चेंजिंग और टू स्टेट्स में दो तरह से हमारे नेचर में वाटर जो है चेंज होता रहता है मैं बताती हूँ कैसे द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन वाटर बॉडीज़ लाइक सी रिवर पोंड एक्सेट्रा जो सन के रेज होते हैं सूरज की किरणें होती हैं वो तेजी से सी पे समुद्र पे रिवर पे पौन्ड पर आती हैं इट हीट्स अप द वॉटर एंड चेंजेस इट इन टू वेपर्स तब क्या होता है जब उन सूरज की किरणें इन सीस पे समुन्द्र पे या फिर रिवर के पानी पर आता है तब पानी क्या है हीट होता है वाटर क्या होता है हीट होता है गर्म होता है और तब वो किस में चेंज होता है वेपर में चेंज होता है भाप में इन द एटमोस्फीयर दे गेट मिक्सड विथ कूल एयर और जब वो भाप बन के ऊपर उड़ता है समुद्र का पानी जो है भाप बन के जब ऊपर उड़ता है तो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में ठंडी हवाओं में मिक्स होता है और जब ठंडी हवाओं में मिक्स होता है एंड फॉर्म्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स तब वो किस में चेंज होते हैं छोटे छोटे बूंद्स में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स मीन्स बूंद में बूंद में वे चेंज हो जाते हैं विच गैदर्ड टू फॉर्म क्लाउड और जो गैदर्ड होके इकट्ठा होकर क्या बनते हैं क्लाउड्स बनते हैं बादल वन द क्लाउड्स कूल दे बिकम वेरी हैवी एंड फॉल डाउन एज रेन और जब क्लाउड्स जो होता है वो कूल cool हो जाता है ठंडा हो जाता है एकदम और बहुत हैवी हो जाता है मींस उसमें लगातार कंटिन्यूस वाटर वेपर्स जाके इकट्ठे होते रहते हैं ड्रॉपलेट्स बन के जब बहुत हैवी हो जाते हैं तब जाके वे जो है बारिश के रूप में नीचे आते हैं फॉल डाउन एज अ रेन दिस वाटर गोज़ बैक टू सीज रिवर पॉन्ट्स और जब फिर बारिश होता है तो बारिश का पानी फिर से कहाँ जाता है उसी सीज में रिवर में पॉन्ट्स में मतलब समुद्र में नदी में लेक में वापस वो पानी जाता है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूज रहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं मींस ये हमेशा होता है डेली सूरज की किरणें आएंगी समुद्र के पानी पे पड़ेंगी और वो हीट होगा पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा फिर जब वो इकट्ठा हो जाएंगे गैदर्ड हो जाएंगे सारे ड्रॉपलेट्स में बूंद बन हैवी हो जाएंगे फिर बारिश होगी फिर बारिश का पानी वापस आएगा समुद्र में नदी में जाएगा फिर सूरज की किरणें आएंगी वो हीट होगा तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता है इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी इन योर बुक मैंशन हियर टू डेज डेट and hw okay students you have to complete exercise a b c d in your book and after that i will tell you that how could you write these all the things in your copy